मुंबई में टाटा नेक्सन इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात मुंबई के वेस्ट में ईवी कार में आग लग गई, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर टाटा मोटर्स कंपनी ने बयान जारी किया है और कहा है, इस अलग थलग घटना के तथ्यों को पता लगाने के लिए डिटेल से जांच करनी पड़ेगी, इसके बाद डिटेल पेश करी जाएंगी। साथ ही हम अपने वाहनों और यूजर्स की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। टाटा नेक्सन ईवी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार है। देश भर में हर महीने कम से कम 2.5 से 3 हज़ार कारों की बिक्री होती है। कंपनी अब तक 30,000 से ज़्यादा नेक्सन ईवी बेच चुकी है। कंपनी ने ये भी कहा है कि लगभग 4,30,000 से अधिक ईवी इस समय पूरे देश में है और 10,00,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। इस तरह की घटना पहली बार हुई है। टाटा कंपनी इसे सुधारने के लिए हर वो प्रयास करेगी जो उसे करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।